रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध बढ़ता जा रहा है। -51 डिग्री के कड़ाके की सर्दी में भी प्रदर्शनकारियों के इरादे पस्त नहीं हो रहे। सिस्टम को बदलने का जुनून ऐसा है कि महिला, पुरुष और बच्चों समेत तमाम लोग बंदिशों को तोड़कर सड़क पर उतर रहे हैं। अभी तक रूस में विपक्ष विहीन सिस्टम ने अब करवट लेनी शुरू कर दी है। पुतिन के सबसे बड़े आलोचक और विपक्षी नेता अलेक्सी नवाल्नी ने सालों से चले आ रही पुतिन की सत्ता को कड़ी चुनौती दे डाली है। अलेक्सी नवाल्नी के समर्थक शनिवार को पूरे रूस में प्रदर्शन किए, यहां तक कि दुनिया के सबसे खराब मौसम वाला क्षेत्र साइबेरिया में भी विरोध का बड़ा असर देखा गया। यहां पर 350 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइबेरिया में गिरफ्तार 350 लोगों में नवाल्नी की पत्नी यूलिया नवलनिया भी शामिल है। यूलिया को हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने पुलिस वैन से सेल्फी भी पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, खराब क्वालिटी के लिए माफी चाहती हूँ, पुलिस वैन में बहुत खराब लाइट है। हालांकि दंगा पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बसों और ट्रकों में जबरन बिठाया, वहीं कुछ लोगों को पुलिस की बैटन से भी पीटा गया। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को मॉस्को के पुश्किन स्क्वायर से बाहर खदेड़ा, लेकिन आधे मील दूर पर ही वे दोबारा एकजुट होकर प्रदर्शन करने लगे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन को हिंसक रूप देते हुए इनमें से कई ने पुलिस पर बर्फ के गोले भी फेंके। आपको बता दें कि नवाल्नी को पिछले रविवार को जर्मनी से मॉस्को लौटने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। रूस के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। प्रदर्शनों में लगभग 40,000 लोगों ने भाग लिया। हालांकि पुलिस ने इस आंकड़े को गलत बताया है और कहा है कि सिर्फ 4,000 लोगों की भीड़ प्रदर्शन कर रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर पूर्व में याकुत्सक से लेकर पश्चिमी में सेंट पीटर्सबर्ग तक प्रदर्शन किए गए, साथ ही काफी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी गिरफ्तार भी किए गए। रूस में प्रदर्शनकारियों की बड़ी संख्या में लोग रूस आजाद होगा और पुतिन चोर है जैसे नारों वाले पोस्टर लेकर खड़े रहे। इसमें कई लोगों ने क्रेमलिन की ओर मार्च भी किया। वहीं प्रदर्शनकारी आजाद रूस के समर्थन में घंटों तक नारेबाजी करने को तैयार हैं। आपको बता दें कि रूस में कई जगहों पर -51 डिग्री सेल्सियस तापमान है। प्रदर्शनकारी जिस अलेक्सी नवाल्नी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा आलोचक माना जाता है। नवाल्नी ने पुतिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक ब्लॉग लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि पुतिन अपनी कथित गर्लफ्रेंड के ऊपर सरकारी फंड से पैसा खर्च कर रहे हैं। वहीं पुतिन की पूर्व पत्नी और 17 साल की बेटी पर भी बहुत सारे पैसे खर्च करने के आरोप भी लगे हैं। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।